नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं अपने चैनल पर शुरू कर रहा हूँ वीडियो ट्यूटोरियल्स रिलेटेड टू मैकेनिकल एंड सिविल। यहाँ पर दोस्तों, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, सब सीख सकते हैं सॉफ्टवेयर मैकेनिकल और सिविल ब्रांच से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, कैटिया, स्टार प्रो, 3ds मैक्स, फ्यूजन 360 और इन्वेंटर, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सिर्फ कमांड बेसिस ट्यूटोरियल्स नहीं देने वाले हैं, हम आपको वैसे काम कराएंगे जैसे इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, हम आपको दिखाएंगे कि कमांड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपना ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, आपको ऐसे विंडो दिखेगी। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल लिखा हुआ है स्टार्ट ड्राइंग। ये यहाँ पे दिख रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिपेयर किए हैं, वो यहाँ पे दिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जैसे ही हमने इस सॉफ्टवेयर को ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका 3D मॉडलिंग मोड इनेबल दिख रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम शुरू करेंगे ड्राफ्टिंग से, ड्राफ्टिंग में 2D। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये इसको बोलते हैं क्विक एक्सिस बार। ये साइड में आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार। मेनू बार का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री में आप कोई चीज आपको बनाना है, मान लीजिए आपके पास कॉपी और पेपर की जरूरत पड़ती है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये तो आपका वो पेपर हो गया। फिर आपको जरूरत पड़ती है पेंसिल की या पेन की जरूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से आप लाइन ड्रॉ करते हैं, सर्किल ड्रॉ करते हैं, आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स के शेप्स आप बना सकते हैं, या उस पे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपको स्केल की जरूरत पड़ती है दोस्तों, जो यहाँ पर डायमेंशन का काम है कि आप डायमेंशन किस तरीके से सेट कर देंगे। चूंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये काफी एडवांस है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन चीजों का किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लाइन किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, ये सेक्शन जो आपका है, ये डिफाइन करता है कि आप किस प्लेन में डिजाइन करना चाह रहे हैं, या आप अपने प्रोडक्ट का कौन सा भाग देखना चाहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर टॉप व्यू दिख रहा है, आप इसे रोटेट कर सकते हैं, यहां से घुमा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, ये एक्सिस है, इसको एक्स बोलते हैं, और ये इसके परपेंडिकुलर है, इसको वाई बोलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइन। हमने यहां से दोस्तों लाइन पे जस्ट एक सिंगल लेफ्ट क्लिक लिया है, लेके आए। यहां पर देख दोस्तों, आप बीच में देख रहे होंगे कि एक ब्लू कलर का व्हाइट कलर का कुछ नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ये दिखा रहा है कि एक एक्स डायरेक्शन का है और एक दूसरा वाई डायरेक्शन का है, और ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि आप अपना लाइन कहाँ से ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, जस्ट लेफ्ट क्लिक फ्रॉम योर माउस। हमने यहां से क्लिक कर दिया, तो देखो दोस्तों, आप विंडो पे दिख रहा है कि ये पूछ रहा है कि आपसे कितना और किस डायरेक्शन में जाना है। सपोज हम लाइन के लिए नीचे ड्रैग कर रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन हम बना रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ब्लू कलर के अंदर डायमेंशन उसकी चेंज हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ से ले आके सेट कर सकते हैं, आपको कहाँ पर चाहिए आप वहीं पर कर्सर रोक सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, एक बैक स्पेस यहाँ कीबोर्ड से लगाएंगे, और सपोज आपको 20 mm का लेंथ देना है, 20 mm आप लिख के सिंपल इंटर कर देंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि 20 mm की लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है। चूंकि अब आपको कमांड से अगर बाहर निकलना है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, लैपटॉप के कीबोर्ड में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ESC एस्केप का बटन रहता है, आप वहां पे प्रेस करेंगे।
आप जैसे ही प्रेस किया आप कमांड से बाहर हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी एक लाइन तैयार हो गई है। मान लीजिए अब आपको दूसरी लाइन लेनी है, आप वापस लाइन पे क्लिक करेंगे और आपको कहां से दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज यहां से करना है, यहां से हम लेके आए और एक वापस यहां पे क्लिक कर देते हैं, जो भी डायमेंशन आ रही है ले जाने दीजिए। हम वापस आते हैं, इधर क्लिक कर देते हैं, फिर हम इधर ले जाके क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो देखेंगे कि लाइन की हेल्प से हमने एक छोटा डायग्राम बना दिया है। आप यस ही प्रेस करेंगे और कमांड सेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था किस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि हम थोड़ी प्रैक्टिस सर्किल के लिए कर लें कि हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सर्कल के कितने फॉर्म है आप देख सकते हैं, सेंटर और रेडियस। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक सेंटर है और एक रेडियस दी गई है, तो हम इस सेंटर रेडियस का इस्तेमाल करेंगे। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करके देख सकते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट स्पेसिफाइड ये सेंटर दे दिया और रेडियस के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे इसको 10 mm की रेडियस दे दी, आपका सर्कल तैयार हो गया। ESC प्रेस करेंगे आप कमांड से बाहर हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे चार पांच सर्कल और भी हैं कि हम किसी किसी को टेंजेंट टेंजेंट और टेंजेंट की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। कहने का मतलब क्या, अगर तीन टेंजेंट के बीच में हमें सर्किल ड्रॉ करना है तो यहाँ इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर दो टेंजेंट और रेडियस के हिसाब से सर्कल ड्रॉ करना है तो दोस्तों हम ये वाला क्लिक करेंगे। तीन पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करना है तो ये दो पॉइंट से ये, और अगर आपके पास सेंटर और डायमीटर दिया होगा तो हम यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल, हमने यहां से लिया और इसे ड्रैग किया, डायमीटर हमने दे दिया वापस से 20, तो दोस्तों एक सर्कल यहाँ पे हमारा बन गया वापस से। तो चलो दोस्तों हम आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या प्रिपेयर करना है। हमारे पास इतनी लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स हैं, ऑटोकैड 2D की बनी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम वन बाय वन इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी कमांड्स तो तैयार हो ही जाएंगी, साथ में आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि किस तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट करते हो। तो चले दोस्तों हमें अपना पहला बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट एक डिजाइन तैयार करते हैं, कंसीडर ये करते हैं। मान लीजिए हमें ये प्रिपेयर करना है, तो दोस्तों सबसे पहले हम किसी चीज को जो बनाना चाहते हैं उसे बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, सबसे पहले आप देखिए कि एक लाइन यहां से यहां वर्टिकल आ रही है और एक इधर और एक इस साइड पे है, इनके बीच का एंगल आप यहां से देखिए 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसे एक बड़ा सर्कल मान लें यहां से यहां तक, तो ये 360 डिग्री के अंदर 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री पर इक्वल एंगल पर तीन इसकी भुजाएं आपको दिख रही हैं। फिर हम और क्या समझ सकते हैं, यहां पर एक सर्कल बना हुआ है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है, दोस्तों ये भी एक सर्कल है, आप इसे हाफ सर्कल यहाँ से समझ सकते हैं, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है और यहाँ पे बीच में एक पॉलीगॉन बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इसे कैड में किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लाइन की लेंथ कितनी दी गई हुई है, हम कैसे निकाल सकते हैं लाइन की लेंथ कितनी है, क्योंकि बिना लेंथ के हम नहीं देखे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 117 दिया हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर तक 139 दिया गया है, और जब हम दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों तो ये बन जाता है 256। तो बिना 256 और उसमें चूंकि ये डायमीटर है, हमें यहां सेंटर तक ही बनाना है, तो हम इसका हाफ इसमें से हटा देंगे, तो 58.5 इसमें से हम हटा देंगे दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इसे ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम यहां से यहां तक की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
तो वो कैसे होगा दोस्तों, चलते हैं हम ऑटो कैड में। इसको सेट करते हैं 2D ड्राफ्टिंग। हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, और यहाँ पे कितना हमें बनाना था दोस्तों, 256 माइनस 58.5, तो ये आ जाता है 197.5। तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं 197.5। ये एक लाइन बन गई हमारी। ये एस्केप हमने प्रेस किया और लाइन से बाहर आ गए दोस्तों। माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है, इससे ये अपनी स्क्रीन छोटी और बड़ी होती। कहने का मतलब जूम इन और जूम आउट होते हैं हम यहां से। अब हम इसको थोड़ा और छोटा करके रखते हैं। तो दोस्तों एक लाइन तो हमने ड्रॉ कर लिया, फिर दूसरी लाइन हमें ड्रॉ करनी है 120 डिग्री पर इसी जगह से। तो दोस्तों ये इंड पॉइंट है, यहां से हमें 120 डिग्री लेके आना है। तो ये कैसे हो सकता है, या यहां से यहां पे देखेंगे, इस लाइन से इस लाइन तक, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। अब ये 90 के बाद हम इसमें कितना जोड़ दें कि 120 हो जाएगी, जस्ट 30 डिग्री। या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 197.5। फिर हम टैब का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, वो जाएगा एंगल कितना देना है। तो एंगल कितना देना है दोस्तों, हमें 90 ऊपर दिख रहा है, नीचे 30 और ले लेंगे, हो जाएगा 120। तो यहां हम 30 इंटर कर देंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे यहां पे हमारी दूसरी लाइन भी तैयार हो गई। ESC प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपको बहुत आसानी से ड्रॉ करना है तो एक इसी पॉइंट से 360 का सर्किल किसी भी डायमीटर का ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए हम वापस से लाइन को, लाइन कमांड यहां से दे रहे, लाइन हमने क्लिक किया, इसे भी 120 तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कहां से मेजर कर रहा है। अगर हमें इसे वापस से 120 करना है, तो हमें जो एंगल दिख रहा है उसमें से 30 फिर से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें ये जो बनाना पड़ेगा, वो बनाना है हमें 198 पॉइंट समथिंग अभी शो कर रहा है। आप यहां से देखेंगे कि मेजर कहां से कर रहा है एंगल, आपको दूसरी लाइन से 150 लेके जाना है, तो 30 पहले से ये मेजर कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, जो एंगल आपको यहां ऊपर दिख रहा है, आप उस एंगल में आप टोटल देख रहे हैं 156 आ रहा है, इसमें अगर आप 30 और ऐड करेंगे तो 186 हो जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब हमें तो चाहिए 120। 120 के लिए हमें कितने का चाहिए, यहां पे सिर्फ 90 डिग्री अगर हमने बना देते हैं। तो पहले तो ये हम लेंथ देंगे, लेंथ कितनी है 197.5, और इस पे टैप जैसे ही करेंगे यू विल गेट अ एंगल। एंगल हमें कितना देना है दोस्तों, वो एंगल देना है हमें 90 डिग्री। आप 90 पे इंटर करेंगे तो ये लाइन बन गई सीधी, जबकि हमें कितना चाहिए 60, ये एंगल है ऑलरेडी। इसका मतलब क्या है कि 90 प्लस 60 हमें और चाहिए। तो कहने का मतलब है 90 प्लस 60, 150 पे आपको एंगल ड्रॉ करना है दोस्तों। SC प्रेस करेंगे, कंट्रोल जेड, वो लाइन हट जाएगी। वापस L इंटर करेंगे लाइन के लिए, और इस जगह से हम, और यहां पे हमने ड्रॉ किया, लेंथ हमें चाहिए 197.5। टैब बटन प्रेस करेंगे और एंगल दे देंगे 150। तो इंटर करेंगे दोस्तों, हमारी वापस से लाइन बन गई। ESC कमांड प्रेस करके वापस हो जाएंगे।
अब हमारी ये तीनों लाइंस बन गई हैं, इसको आप रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं। वापस हम अपने डायग्राम में देखेंगे कि ये क्या है। ये लाइन बनने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि एक यहाँ पे 20 mm रेडियस का सर्किल बनाना है और ये 40 का, ये तीनों ही लाइन के एंड पॉइंट पे बनाना है। तो चलो दोस्तों हम पहले ये बना लेते हैं, वापस से ऑटोकैड में जाते हैं, R20 और R40 का बनाना है। तो सिंपल क्लिक करेंगे सर्कल पे, विल क्लिक हियर एंड पॉइंट। तो दोस्तों एक हमने यहाँ पे 20 इंटर करके एक सर्कल बना लिया। वापस से हम वही उसी कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसी पॉइंट से लेके एक 40 का भी सर्कल ड्रॉ कर लिया दोस्तों। और यही काम सिंपल यहाँ करना है। आपको कमांड रिपीट करनी है तो आप स्पेस बटन का यूज कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आया, फिर से हमने यहाँ पे पहले 40 ले लिया रेडियस का, बन गया। अगेन आप एक 18 का हमें और बनाना है, दिस इज 18 ओनली, जस्ट सी दैट इज 20, 20 और 40, जस्ट इंटर 20 हो गया। वापस हमें वही बनाना है, जस्ट प्रेस स्पेस। इस पे भी हमने एक 20 का ड्रॉ, 40 का ड्रॉ कर दिया पहले, फिर हमने स्पेस प्रेस किया और वापस से हमने यहाँ पे 20 का ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों हमारे ये तीनों पॉइंट्स भी रेडी हो गए। अब हमें देखना है कि और क्या बनाना है। वापस हम अपनी ड्राफ्टिंग में सीट पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 250 रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल कैसा होगा दोस्तों, ये टेंजेंट पॉइंट है इसका, ये टेंजेंट पॉइंट है और ये रेडियस है। दैट मींस टेन टेन रेडियस हमें कमांड से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये बड़ा वाला सर्कल हम यहां से इसे डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम सर्किल में जाएंगे और टेन टेन रेडियस यहां से सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों कौन सा सिलेक्ट करना है हमें, ये सर्कल सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट करना है और एक रेडियस दे देनी है। रेडियस कितना देना है हमें, 250, 250 एंटर करेंगे दोस्तों, एक सर्कल वहां पे बन गया। वापस से हम कमांड सेक्शन में जाएंगे और टेन टेन रेडियस सिलेक्ट करेंगे, एक टेंजेंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और हम इसकी रेडियस दे देंगे दोस्तों। कितना देना, 250 ऑलरेडी दिख रहा है, इंटर कर देंगे, दो सर्किल बन गया। वापस से हम टेन टेन रेडियस कमांड लेंगे दोस्तों और यहाँ पे हम एक इस पे क्लिक किया, दूसरा यहाँ क्लिक किया, उसके बाद 250 ऑलरेडी है, इंटर कर देंगे, हमारे पास तीनों बन गए। सो दोस्तों अब इसके बाद हम फिर से ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो जो अब ट्रिम कमांड का क्या, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ट्रिम का मतलब होता है जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है हम उसे वहां से हटा देंगे। तो दोस्तों ये कैसे हटता है, जैसे ट्रिम कमांड यहां से हम सिलेक्ट करेंगे, यहां पे आने के बाद हम एक राइट क्लिक ले लेंगे। राइट क्लिक लेने के बाद आप पर्टिकुलर फेस पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा, अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो है ना ये कमांड का कमांड ट्रिम। सो दोस्तों अब हम वापस से देखते हैं कि हमारी ज्योमेट्री में अभी क्या बनाना बाकी है। अंदर का जो सर्कल पॉइंट कनेक्शन है उनको सबसे पहले रिमूव करने हैं। तो चलो दोस्तों हम अंदर वाला भी रिमूव कर देते हैं। कहने का मतलब है हमें ये भी रिमूव करना है, ये भी रिमूव करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सॉरी, ये भी करना है और ये भी हमने रिमूव कर दिया। अब ये रिमूव करने के बाद देखिए दोस्तों ये सर्कल हमारा होने लगा थोड़ा रियल इमेज जैसा दिखने लगा है। इसके बाद हमें बीच में एक पॉलीगॉन डिजाइन करना है। पॉलीगॉन का जो एक फेस है ये यहां से यहां तक, वह है 58.5। तो दोस्तों पॉलीगॉन कैसे डिजाइन करते हैं ऑटोकैड में वो जरा देखते हैं। यहां पर देखेंगे एक कमांड पहले से बना हुआ है, यहां पे जाएंगे, ये पॉलीगॉन हमें मिल जाएगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये पॉलीगॉन पे क्लिक किया, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए। हमें नंबर ऑफ साइड 6 चाहिए, हमने 6 करके इंटर कर दिया। फिर ये पूछ रहा है कहाँ से शुरू करना है, तो हम ऑब्वियसली
सेंटर से शुरू करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि सर्कल के अंदर या बाहर, तो हम इसे बाहर बनाना चाह रहे हैं। अब ये रेडियस पूछ रहा है, तो पहले हम इसका पोजीशन देख लेते हैं दोस्तों। हम इसे दे देंगे 58.5 और ओके कर दिया दोस्तों, वो बन गया हमारा। सो दोस्तों ये देखिए, आपकी एक 2D ज्योमेट्री बिल्कुल रेडी हो गई है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा ट्यूटोरियल, आप जरूर बताइएगा, और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट डे ही हम आपको एक दूसरे ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे, और उसमें कुछ नई नई और चीजें कमांड में सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।